कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती संगीता जी बेनीवाल, साथ ही महेंद्र सिंह जी बिश्नोई, विक्रम सिंह जी बिश्नोई, क्षेत्र के लोकलाडले लोकप्रिय सरपंच महोदय, इन सभी के द्वारा बॉल फेंककर, बैट चलाकर, शॉट मार के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन फीता काट के होने को जा रहा है। श्री स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई मेमोरियल रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट दशहरा मैदान रोहट जिला पाली, तारीख 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार आज से प्रारंभ होगा। उद्घाटन मैच कुछ पलों के बाद में यह खेला जाएगा। तमाम स्वागत तो द्वारा तो उद्घाटन इस वक्त हो चुका है आयोजन तमाम मुख्य अतिथियों द्वारा और एक भव्य नाइट उद्घाटन भोज ग्राम में होने जा रही है। साथियों एक महासंग्राम नाइट क्रिकेट का आयोजन इस वक्त शुरू होने जा रहा है। इस ग्राउंड में स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई जो राजस्थान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और आज यहाँ पर संगीता जी बेनीवाल हुई, हमारे विधायक महोदय जी महेंद्र सिंह जी बिश्नोई और तमाम कद्दारों में सभी सरपंच गण मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत और उद्घाटन मुकाबला इस वक्त ताल बलाजी जोधपुर और आपको बता दें भुखली राम जी डांगावास जिनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है जो कि डांगावास से यहाँ पर राजस्थान टेनिस क्रिकेट ग्रुप फेसबुक लाइव चलाने के लिए भी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल भुखली राम जी डांगावास से खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन नाइट आयोजन आज से शुरू हो रही है। स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई जो कि राजस्थान के एक आन बान शान थे,
एक महान नेता थे हिंदुस्तान के, उनके नाम पर हम ये टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे हैं के नेतृत्व में। ये भव्य और शानदार टूर्नामेंट होगा जिसमें 64 टीमें भाग ले रही है। और आज से आगाह हो चुका है, महिला बाल विकास मंत्री जी भी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने विधायक है, तमाम आस पड़ोस के सरपंच महोदय है और समस्त रोज ग्रामवासियों का इस तरफ से इन सबका हार्दिक स्वागत भी है। हेलो, बता दो यहाँ पर अंपायर है अंपायर चीफ सर, जो कि इंटरनेशनल अंपायर अंपायरिंग के लिए महादेव प्रफुल्ल सर आ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं, दूसरे देशों में अंपायरिंग करते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं ये रोज ग्राम। जोधपुर की जानी मानी टीम ताल वाला जी जोधपुर और एक कदम सोना जो की जालोर जिले की है, दोनों के बीच ये भव्य उद्घाटन मुकाबला आज यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। पहला ही मुकाबला एक बहुत बड़ा मुकाबला। हेलो हेलो भाई, टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो। स्वर्गीय श्री राम सिंह जी बिश्नोई की स्मृति में ये सेकंड टूर्नामेंट रोहट में आयोजित होने जा रहा है और यहाँ पे पधारे हुए सभी दर्शकों का और सभी टीमों का मैं आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा ग्राउंड थोड़ा जल्दी खाली करे, तमाम ग्रामवासियों से थोड़ा बाहर आए, इस वक्त तुरंत मैच शुरू करवाने हैं और आज ही नाइट पे चार मुकाबले खेले जाएंगे जी। जो बिल्कुल एक्स्ट्रा खड़े हैं ग्राउंड में, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन सब से कि प्लीज ग्राउंड खाली करे, हमारे को जल्दी ये मैच स्टार्ट करवाना है, तो सभी से करवंत निवेदन है कि प्लीज ग्राउंड खाली करें। और स्वागत है यहाँ पर मेमराम जी टाटा स्काउट हरमीना बाड़मेर से, जो कि इस टूर्नामेंट को सफल कराने के लिए काफी दिनों से यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने बहुत ही अच्छी इस व्यवस्था में सहयोग किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद जी। नैनाराम जी हमेशा कहीं भी कार्यक्रम होता है तो वो अपनी तरफ से 100% पूरा सहयोग करते हैं, समाज सेवी है, तो तह दिल से धन्यवाद आयोजन समिति की तरफ से। इस भव्य आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान तरुण कुमार बाल्टू बाड़मेर का भी है, जिन्होंने ये लाइटिंग का पूरा
व्यवस्था किस तरीके से सेट की जाती है सब कुछ किया उन्होंने, और उसके लिए तरुण पवार का आई क्यू बारियर का भी हाई कोर्ट आभार। बिल्कुल, वो भी यहाँ पे चार दिन थे, आज मॉर्निंग में यहाँ से निकले हैं। और ये जो यहाँ पे दर्शकगण खड़े हैं, मेरा निवेदन है कि उस पार यहाँ पर वहाँ पे चेयर्स भी है, तो वहाँ जाके आप बैठ जाइए। और अभी भी जो ग्राउंड में खड़े हैं एक्सपाज, उनसे निवेदन है कि प्लीज ग्राउंड खाली करें। जो भी ग्राउंड में है प्लीज जल्दी थोड़ा बाहर आए। धमाकेदार आयोजन लगभग अगले 12 से 13 दिन घमासान चलेगा। हेलो हेलो हेलो, महादेव पलक पाल टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए, और सेना टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए, जल्दी आए। बाकी टीम जो भी है, दोनों टीमें ग्राउंड में पहुंच जाए, अतिरिक्त खिलाड़ी जो भी है वो मैदान से बाहर आ जाए। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारे अतिथिगण यहाँ पर विराजमान है, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की जाए। समय के अभाव के कारण हम पहले नाश्ते की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, तो कार्यकर्ताओं से निवेदन है यहाँ पे जो अतिथिगण बैठे हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करें। इस मैच को लाइव देखेंगे युवाओं के आइकॉन राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बिश्नोई संगठन के भाई विक्रम सिंह जी खोकर खुद इस मैच को पूरा लाइव देखेंगे। तो कार्यकर्ताओं से निवेदन है उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करें। पाल टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं, सेरना टीम के कप्तान। यदि सेरना टीम के कप्तान मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, प्लीज जल्दी आइए। पहला मैच का टॉस करेंगे भाई विक्रम सिंह जी खोकर से, निवेदन है कि आज के मैच का टॉस आपके हाथ से उछाला जाएगा। युवाओं के आइकॉन भाई विक्रम सिंह जी खोकर से निवेदन है कि इस मैच के टॉस के गवाही कौन बनेगा, वो छिक्का आप उछालो अपने हाथ से। और उनका साथ देंगे हमारे राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के एकमात्र रणजी प्लेयर भाई भवंदर जी जाकड़, वो भी मैदान के अंदर पहुंचे। उनके साथ राव रिडमल जी बाबर, वो भी मैदान के अंदर पहुंचे। सेना टीम अपनी लिस्ट भेजे मोबाइल नंबर के साथ, सेना टीम की लिस्ट भेजे, और दोनों कप्तान ग्राउंड में जाए पाल के और सेना टीम के। यहाँ पे जितने भी खड़े हैं निवेदन है कमेंट्री बॉक्स से हट जाइए प्लीज, कमेंट्री बॉक्स खाली कीजिए प्लीज, यहाँ से सारे लोग हट जाइए। और जो ग्राउंड में एक्सपर्ट खड़े हैं वो भी बाहर आ जाए, टॉस के लिए जो गए हैं उनके अलावा जो भी है वो बाहर आ जाए। सेना वर्सेज पाल के बीच में टॉस होने जा रहा है, इस टूर्नामेंट का ये पहला मैच। हमारे बीच में मशहूर कमेंटेटर प्रेसपाल जी सारण जालौर जिले के,
अधिकान गुजरात और एमपी तक टीम स्टेट में शानदार कमेंट्री का जलवा भी करते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है।